नंदनवन इलाके में शराबी बेटे को घर में गाली गलौज करने से मना करने पर उसने पिता की हत्या कर दी। मृतक का नाम कृष्णराव सदाशिव रायपुरकर है। आरोपी अमित रायपुरकर को पिता की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। नंदनवन पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे दिन की पुलिस रिमांड पर भेजने का आदेश दिया गया है। आरोपी ने उसे लोहे की छड़ी से मार डाला, जो कृष्णराव के चलने फिरने का सहारा था। कृष्णराव रायपुर करके पेंशन पर घर का खर्च चलता था। वे भूमि अभिलेख विभाग से अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुई थी। आरोपी अमित मलबे का वाहन चलाता था। वह अपनी कमाई शराब में उड़ा दिया करता था। पुलिस सूत्रों के अनुसार प्लॉट नंबर 43B शक्ति माता नगर दूसरी कड़ी पानी की टंकी के पास नंदनवन नागपुर निवासी अर्चना अमित रायपुरकर ने नंदनवन थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उसने पुलिस को बताया कि उनके ससुर कृष्णराव रायपुरकर करीब 15 साल पहले सेवानिवृत्त हुए थे। उन्हें करीब 25,000 रुपए पेंशन मिलती थी और इस पैसे से घर का खर्चा चलता था। 9 सितंबर की शाम करीब 7:30 बजे वो और उसके ससुर कृष्णराव घर पर थे। इस दौरान उसका पति अमित कहीं बाहर से आया और गाली गलौज करने लगा, तो वही ससुर कृष्णराव रायपुरकर ने उसे गाली गलौज करने से मना किया। इस बात को लेकर पिता पुत्र में विवाद हो गया। इसके बाद आरोपी अमित ने अपने पिता की लोहे की छड़ी छीनकर उनकी पीठ पर 2 बार मारा, जिससे वह बेहोश होकर नीचे गिर पड़े। इसके बाद अर्चना रायपुरकर अपने ससुर कृष्णराव को उपचार के लिए इटकेलवार अस्पताल सक्करदरा में लेकर गई, लेकिन प्राथमिक जांच के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बारे में नंदनवन पुलिस को जानकारी दी गई। अर्चना की शिकायत पर नंदनवन थाने के उपनिरीक्षक राहुल ने आरोपी अमित रायपुरकर के खिलाफ धारा 302 504 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। नंदनवन पुलिस मामले की जांच कर रही है। शक्ति माता नगर से जे प्रकरण आहे, यातील आरोपी हा अतिशय काम देतला दारुड्या स्वभावाचा व्यक्ती आहे आणि दारू पिण्याच्या करिता त्याला पैसे पाहिजे असले की तो वारंवार घरी भांडण तंटा करायचा। व्यवसायाने आरोपी हा ड्रायव्हर आहे। बांधकामाचं जे फुटतूट झालेला मलबा असतो त्याची वाहतूक करण्याचं गाडीवर तो ड्रायव्हर म्हणून काम करायचा, परंतु तो रोजंदारी त्या कामावरसुद्धा काही दिवस जायचा काही दिवस नाही जायचा, त्याच्यामुळं त्याला आर्थिक पैशाची चंचल राहायची। दारू पिण्यासाठी वारंवार वडिलांना पैसे मागायचा। वडील वयस्कर जवळपास 75 वर्षाचे वृद्ध आहेत आणि पेन्शनधारक आहेत। या पैसे मागण्याच्या वादावरूनच काल त्यांच्यात भांडणतंटा किरकोळ झाला व त्यात त्यांनी आपल्याच वडिलाला आरोपींनी त्यांची जी चालण्याची लोखंडी पाईपसारखी लाठी असते त्या लाठीने मारलं। नंतर आरोपीच्या पत्नीने म्हणजे मृतकाच्या सुनेने पोलिसांना सुद्धा कॉल केला। पोलीससुद्धा घटनास्थळी पोहोचले ताबडतोब। तेव्हा त्यांनी त्या मृतक म्हणजे जे कृष्णराव रायपुरकर आहे यांना ते लगेच हॉस्पिटलला घेऊन गेले आणि नंतर हॉस्पिटलला त्यांनी त्यांना मृत घोषित केलं। त्यानंतर पोलीस स्टेशनला माहिती आली व लगेच आम्ही त्वरित आरोपीला अटकसुद्धा केली आणि पुढील कार्यवाही चालू आहे। नाही, आरोपीचा आम्ही रेकॉर्ड चेक केला, यापूर्वीचा कुठलाही क्रिमिनल रेकॉर्ड त्याचा मिळून आलेला नाही। मृतक हे रिटायर्ड पर्सन आहे, हे सर्वेअर म्हणून नोकरीला होते। जवळपास 15-16 वर्षापूर्वी ते रिटायर्ड झालेले आहे आणि पेन्शनवर त्यांचं घर चालत होतं। हा मुलगा जो आहे आरोपी हा रोजंदारीनंच काम केल्यासारखा होता, याची काही आर्थिक परिस्थिती नव्हती, परंतु दारूचा व्यसनाधीन आहे आरोपी। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट।